ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब नक्श के हाथ वो तस्वीर लग चुकी है जिसे आज तक कीर्ति छिपाते आ रही थी। इसी तस्वीर की वजह से कहीं ना कहीं आदित्य कीर्ति को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी तस्वीर की वजह से कीर्ति इन दिनों इतनी हड़बड़ाई हुई और परेशान रह रही थी। और जब नक्श ने ये फोटो देखी तो इसमें उसका बेटा क्रिश और विलन आदित्य मौजूद थे। इन दोनों को एक ही फोटो में देखकर नक्श बहुत गुस्से में आया और उसने सोचा कि मेरा बेटा आदित्य के साथ क्या कर रहा है। तभी जब उसकी नज़र बाहर पड़ी तो उसने ये भी देखा कि उसकी पत्नी यानी कि कीर्ति अपने एक्स हस्बैंड और सबसे बड़े विलन आदित्य से मिल रही है। ये देखने के बाद तो और भी हैरानी हुई नक्श को और उसे ये समझने में ज़रा सी भी देर नहीं लगी कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में कीर्ति नक्श को नहीं बता रही। वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब कीर्ति घर के अंदर आएगी तो नक्श उससे सवाल करेगा कि वो कहाँ गई थी और यहाँ पर कीर्ति का झूठ पकड़ा जाएगा क्योंकि कीर्ति जवाब में नक्श से कहेगी कि उसका कोई ऑनलाइन पार्सल आने वाला था लेकिन वो गलत हो गया इसलिए वो उसे रिसीव नहीं कर पाई। और नक्श तो पहले ही अपनी आंखों से कीर्ति और आदित्य को देख चुके हैं तो अब नक्श का शक गहराता जाने वाला है और वो कीर्ति से कुछ सवाल या जवाब ना करके सीधा सच का पता लगाएंगे। तब नक्श के सामने खुलेगा क्रिश और आदित्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज, वो मिस्ट्री जो आज तक कीर्ति छिपाती आई है। वेल, इस शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्रिश और आदित्य का खून का रिश्ता हो सकता है। बहुत जल्दी इस बात का खुलासा हो सकता है कि क्रिश किसी और का नहीं बल्कि आदित्य का बेटा है, आदित्य से ही जन्मा है क्रिश, ये बात कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन खुलासों के बाद नक्श और कीर्ति के रिश्ते पर कैसा असर पड़ेगा। क्या वाकई क्रिश नक्श का नहीं बल्कि आदित्य का बेटा है? इंतजार रहेगा इन सभी ड्रामों को देखने का। फॉर ऑल द लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स, सेलिब्रिटी न्यूज एंड व्यूज, प्लीज सब्सक्राइब सीरियल खबरी एंड हिट द बेल आइकन।